भाई बहनों, अब हम ये कैसे समझ पाएंगे कि किसके ऊपर पाप है और किसके ऊपर नहीं है। तो एक काशी से पड़े हुए एक विद्वान जिस समय शिक्षा अध्ययन करने के बाद अपने घर के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में उन्हें अंधेरा हो गया। उन्होंने झोपड़ी पड़ी हुई है, उस झोपड़ी में एक वैश्या रहती है। ब्राह्मण देव को नहीं पता चला कि इसमें कौन है, तो ब्राह्मण देव उसकी झोपड़ी के पास पहुंचे और जवाब दिया है कि हे माँ, क्या रात भर हम यहाँ ठहर सकते हैं? वैश्या ने कहा, कोई बात नहीं है, आप रात भर ठहरिए, सुबह चले जाना। ब्राह्मण देव रात भर वहां पर ठहरे और सुबह जब चलने के लिए तैयार हुए तो ब्राह्मण देव ने क्या देखा है कि उधर से एक अर्थी आ रही है। अर्थी को देख करके वैश्या ने अपने छोटे से पुत्र से एक बात कही कि लाला, जा देख करके आ, जो ये पड़ा हुआ है, जो ये जा रहा है शमशान के लिए, ये अर्थी जो जा रही है, ये देख करके आओ कि ये स्वर्ग में जाएगा या नर्क में जाएगा। वो लड़का गया अर्थी के पास में पहुंचा, थोड़ी देर के बाद में वहां से लौट के आ गया और जवाब दिया है कि हे मैया, ये निश्चय ही स्वर्ग में जाएगा। काशी से पड़े हुए ब्राह्मण सोचने लगे, मैंने सारी जिंदगी काशी में लगा दी, लेकिन मैंने आज दिन तक ये पता नहीं लगा पाया कि कौन स्वर्ग में जाता और कौन नर्क में, और ये छोटा सा पुत्र कह रहा है ये स्वर्ग में जाएगा। दोबारा से करती फिर निकली तो वैश्या ने फिर अपने लाल को भेजा और कहा है कि बेटा, अब की बार देख करके आओ कि ये कहां जाएगा, स्वर्ग में जाएगा या नर्क में जाएगा। वो लड़का फिर से गया और फिर से देख करके लौट के आ गया, कहने लगे कि मैया, ये निश्चय ही नर्क में जाएगा। काशी से पड़े हुए विद्वान जो थे आश्चर्यचकित हो गए, बोले हैं कि मैया, मैंने सारी जिंदगी अपनी काशी में लगा दी, लेकिन मैंने आज दिन तक ये पता नहीं लगा पाया कि कौन व्यक्ति स्वर्ग में जाता और कौन नरक में जाता, और ये छोटा सा पुत्र कह रहा है वो स्वर्ग में जाएगा और वो नरक में जाएगा, ये इसे कैसे पता? मैया ने जवाब दिया है, हे ब्राह्मण देव, तुम्हें इस बात का पता नहीं है। जरूरी नहीं होता है कि हर बात हर किसी को पता हो। जवाब दिया है कि जो पहली अर्थी गई थी उसके पीछे हजारों की भीड़ थी और हजारों के हजारों लोग रो रहे थे, कह रहे थे कि भैया बड़ा अच्छा इंसान था, आज ये चला गया और जाने के बाद में हमारा तो गांव बिल्कुल सूना हो गया। समझ लेना, जिस अर्थी के पीछे हजार दो हजारों की भीड़ जाती हो और सारे के सारे लोगों के आंखों से आंसू बहते हो, तो समझ लेना कि वो निश्चय ही स्वर्ग में जाएगा, क्योंकि इसने अपराध नहीं किए, इसने कोई किसी के साथ में गलत व्यवहार नहीं किया, तभी तो लोग रोते हैं। दूसरी अर्थी के पीछे पीछे जा रहे हैं हजार लोग, लेकिन हजारों के हजारों बुराई करते जा रहे हैं, भैया बहुत अच्छी बात भाई, जो ये मर गया दो चार महीने और रहता तो पूरा गांव बर्बाद कर देता, समझ लेना वो इंसान निश्चय ही नर्क में जाएगा। वैश्या ने काशी के पढ़े विद्वान से कहा कि हे ब्राह्मण जी, आप पढ़ते तो जरूर ले, लेकिन आपने कुछ गुना नहीं है, आपने तो सिर्फ कॉपी और किताबें कोई पन्नों पर लिखा हुआ पढ़ा है, लेकिन जो सच्चे हृदय से पढ़ता है, जो सच्चे मन से पढ़ता है, वो कॉपी और किताबों की जरूरत नहीं हुआ करती है। इसलिए भाई बहनों, हमें इंसान खुद नरक में और स्वर्ग में जाने का रास्ता अपने हाथों से बनाता है। इसलिए सभी से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा धर्म करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों की सुरक्षा करिए, अपने से कमजोर को कभी नहीं सताइए, क्योंकि कुछ लोग ये सोच लेते हैं कि गरीब इंसान के थप्पड़ मार दो
तो दिल को तो तसल्ली बन जाती है कि मैंने गरीब को मारा। लेकिन भैया ध्यान रखना, यहाँ पर गरीब और अमीर की बात नहीं होती है, क्योंकि जितना थप्पड़ तू एक अमीर के मारेगा, जितना थप्पड़ उस अमीर के लगेगा और उतना ही उस गरीब के लगेगा, लेकिन अंतर इतना होता है कि अमीर इंसान तुरंत तुम्हें जवाब दे देगा और गरीब जो होता है वो तुम्हें उत्तर वापस नहीं देगा। इसलिए भाई बहनों, अगर इस माया रूपी संसार में आए हो तो कुछ ऐसा कर्म करके जाइए जो संसार के लोग तुम्हें याद करते रहें। बोलिए गोविंद भगवान की। दिन में आप